एक व्यापारी था, उसके घर में एक बेटा और एक बेटी, बेटी बड़ी थी तो उसकी शादी कर दी गई, और व्यापारी बहुत ही धनवान था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था उसके पास। लेकिन उसका एक जो पुत्र था अकेला, वो बहुत बिगड़ गया था, पैसों को पानी की तरह बहाता था, कुछ भी खर्चा करता था, कुछ भी कर लेता था। तो व्यापारी को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए जिससे इनको समझ में आए कि पैसा कैसा आता है। एक बार की बात थी, बड़ी बहन थी तो उसकी शादी हो गई। व्यापारी ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तो बेटे को हैरानी हुई, उन्होंने कहा कि मैं कहां से कमा के लाऊं और क्यों, क्या जरूरत है कमाने की, इतना सारा धन मैंने 500 रुपए आप क्यों मुझसे कमाना चाहते हो। तो पिता ने कहा सख्त शब्दों में कि अगर आप 500 रुपए कमा के नहीं लाए तो आपसे घर, आपको घर से निकाल दिया जाएगा। तो बच्चा घबरा गया, तो उसने सोचा अब क्या करूं, तो उदास होकर मां के पास पहुंचा, मां से कहा, मां पिता को पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं 500 रुपए मां कमा के लेके आऊं बाजार से। तो मां ने कहा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। मां ने 500 रुपए निकाल के दे दिए और कहा, बोल देने पापा को मैं कमा के लेके आया। तो 500 रुपए जब उसने बोला फादर को कि पिताजी मैं ये 500 रुपए कमा के लेके आ गया हूं, तो पिताजी ने कहा अच्छा आप कमा के लेके आए, बोला हाँ, तो अच्छी बात है, काम करो जो बाहर कुआ है वो कुएं में फेंक दो। तो कुएं में जाके 500 रुपए फेंकवा दिए। फिर से बोला कल फिर से कमा के लाओ, और व्यापारी को पता चल गया था ये चाल किसकी है। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया और कहा, सुनो तुम बहुत दिन से मायके में नहीं गई हो, थोड़ा एक काम करो मायके में घूम के आ जाओ 8-10 दिन के लिए। मेरे साले साहब का, आपके भाई साहब का फोन आ गया है, वो आपको याद कर रहे हैं, तो आप मायके चले जाओ। तो पत्नी को मायके भेज दिया। अब मायके भेजा तो पैसा कौन देगा। तो लड़का बड़ा होशियार था, सोचा कि कुछ तो गड़बड़ होगी। तो उसकी जो बहन की शादी की करी थी वो बाजू में ही रहती थी, तो कहा पापा मम्मी नहीं है, खाना खाने का तकलीफ पड़ेगा, मैं दीदी को बुलाने जा रहा हूँ। तो दीदी को बुला लाया। पिताजी ने कहा कि ये 500 रुपए कल तुमको कमाने जाना है, तो आपको पता है बहन भाई का प्यार कैसा होता है, 500 रुपए तो कुछ नहीं है क्योंकि थे तो धनवान सब लोग। तो जब फिर से बोला गया कि आप 500 रुपए कमा के लाओ, तो लड़के ने दीदी से जाके बोला कि दीदी 500 रुपए कमाने जाना है, पापा ऐसा ऐसा पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। तो दीदी ने 500 रुपए निकाल के दे दिए। लड़का फिर गया कि ये 500 रुपए मैं कमा के ले आया। पिताजी ने फिर बोला सवाल भेज दिया, तुम बेटा एक दिन रह ले, चलो घर पे जाओ। अब घर पे कोई पैसे देने वाला नहीं था। लड़के को फिर बोला गया कि तुम 500 रुपए कमा के लाओ। लड़के ने सोचा अब फंस गया, अब मैं कहाँ, मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, पैसा कौन देगा। तो बड़ी परेशानी। तो बोला पापा अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे जो बुखार बुखार आ रहा है, मैं अभी कमा नहीं सकता। पिताजी समझ गए कि बहाने बना रहा है, तो कहा अगर तुम पैसा नहीं लाए तो ये सारी जायदाद मैं किसी गरीबों में बांट दूंगा, ट्रस्ट के नाम कर दूंगा, या तो 500 रुपए ला के दो नहीं तो मैं करने वाला हूं। तो लड़का जब गया तो कोई काम दे नहीं रहा है, क्योंकि काम के लिए अनुभव चाहिए, किसी भी काम करने के लिए अनुभव तो चाहिए ना, तो अनुभव तो था नहीं, जीरो था। तो सब जगह घूमा, कोई काम नहीं दे रहा। लास्ट में सब्जी मार्केट में गया, तो वहां पे बोरियां उठा के उसको दूसरे ट्रक में डालना था, एक ट्रक से निकाल के दूसरे ट्रक में डालना था, उसका काम किया। पूरा दिन काम करता रहा, क्योंकि उसको पता था 500 रुपए अगर नहीं कमाए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दौड़
दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी काम करता रहा और 500 रुपए उसने ले ली और बहुत मेहनत की, पूरी पीठ लाल हो गई, छिल गया पूरा, परेशान हो गया, दर्द के मारे करा रहा था। पहली बार ऐसा काम किया, 500 रुपए लेके गया, फिर कहा पिताजी को, पिताजी मैं 500 रुपए लेके आ गया हूं। पिताजी ने कहा फेंक दो कुएं में। लड़का बोला जो पागल आदमी हो, मेरी हालत खराब हो गई, सुबह से लेके शाम तक मैं कितना मेहनत करके आया हूं, मैं कितना परेशान हुआ हूं, तब जाके 500 रुपए मुझे मिला, आप बोले कुएं में फेंक दो। पिताजी ने बोला पहले पैसे कहां से लाए थे, पहले मेरे एक ही बोलने पे पैसे क्यों फेंक दिए। तो पिताजी ने समझाया कि खुद के पसीने बहाने से जो पैसा मिलता है उसकी वैल्यू समझ में आती है, लेकिन दूसरे जो लोग कमाते हैं उसकी वैल्यू नहीं करते आप लोग। इसलिए ये महत्व की बात है, सभी को यह समझना पड़ेगा, एक एक पैसे का, आपके पिताजी कितने भी धनवान हो या गरीब हो, एक एक पैसे का वो बहुत मूल्य चुकाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं पैसा आता है। इसलिए अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं पैसों का वैल्यू क्या है, तब जाके आपका बच्चा इसकी वैल्यू करेगा तो आगे जरूर बढ़ेगा। इसके लिए हमने एक शुरुआत की है कि हम लोग एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें स्कूल, चाहे कहीं भी स्कूल हो, गुजरात में हो, आउट ऑफ स्टेट में हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी स्कूल हमें हायर कर सकता है। हम लोग छोटी सी फीस लेके आपको पूरा पैकेज देते हैं, जिसमें 10 मोटिवेशनल सेमिनार केवल टीचर के लिए होते हैं और उसमें कम से कम 4 मोटिवेशनल सेमिनार स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो एग्जाम से ठीक पहले हम करेंगे, जिससे वो अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कैसे लगा सके। और कम से कम 3 से 4 मोटिवेशनल सेमिनार पेरेंट्स के लिए होंगे, यानी पेरेंटिंग करेंगे, ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं स्कूल के लिए। इसके साथ साथ में हम जाहिर में, पब्लिक में जाके 10 से 15 प्रोग्राम करते हैं, जिससे स्कूल को एक नई प्रगति मिलती है, स्कूल की कनेक्टिविटी बनती है। ये पूरा पैकेज इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई पैकेज चाहते हैं जिसमें मोटिवेशन सेमिनार हो, टीचर के लिए स्पेशल हो, पेरेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, साथ साथ में पब्लिक में जाके 10 से 15 सेमिनार अलग अलग हो, स्पोर्ट्स का कुछ हमने प्रोग्राम करवाया, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम कराया, बच्चों को गुड टच बैड टच की नॉलेज दी अलग अलग जाके स्कूल के बैनर के नीचे, तो मुझे लगता है कि स्कूल जल्दी से जल्दी प्रगति पर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में ये सर्विस मिले तो आज ही फ़ोन उठाएं, मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर कॉल करें और आज ही कॉन्टैक्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।